नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भवभूति की। संस्कृत साहित्य में आज हम बात करने जा रहे हैं भवभूति की। भवभूति का समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इनकी माता का नाम जातुकर्णी तथा पिता का नाम नीलकंठ। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ, ठीक है। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था और इनके का वास्तविक नाम श्री कंठ था। कंफ्यूज मत होइएगा, परंतु सांबाक चातु भवभूति पवित्र मूर्ति के आधार पर भवभूति प्रसिद्ध हुए। ये भवभूति नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था श्री कंठ पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिए। कवि गोष्ठी में भवभूति उम्बेक के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। कवि गोष्ठियों में भवभूति उम्बेक के नाम से जाने जाते थे। ये विदर्भ देश के निवासी, ठीक है। नाटक, अगर भवभूति के नाटकों की बात करें तो मालती माधव इनका नाटक था। मालती माधव 10 अंक का है, गौड़ी रीति पे लिखा हुआ है और भवभूति का पहला नाटक, प्रथम नाटक। इसमें मालती और माधव मकरंद तथा मद्यंती के प्रेम तथा विवाह का वर्णन। मालती माधव नाम है, मालती माधव इसके जो प्रमुख पात्र है, मालती और माधव। इसके अलावा मकरंद और मद्यंती दो जोड़े यहाँ पे दिखाए, इसमें वर्णन दो जोड़ों का किया गया है, मालती और माधव, मकरंद और मद्यंती के प्रेम विवाह तथा विवाह का वर्णन किया गया है। खास बात यह है कि ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें भवभूति ने अपना वंश परिचय दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए। भवभूति ने इसमें अपना वंश परिचय दिया है मालती माधव में। दूसरा इनका नाटक है महावीर चरितम, ये 4-7 अंक का नाटक है, गौड़ीय रीति पर ही लिखा हुआ है। महावीर नाम से ही आप थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं, वीर रस प्रधान नाटक है। राम के विवाह से लेकर इसमें राज्याभिषेक तक का वर्णन किया, महावीर चरित में राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक का वर्णन किया गया है। उसके बाद उत्तर रामचरितम, ये 7 अंक का नाटक है, ये वैदर्भी रीति है, करुण रस प्रधान है, रामायण के उत्तर कांड की कथा का वर्णन। इसमें रामायण के उत्तर कांड की कथा का वर्णन है। उत्तर रामचरित में निम्नलिखित 7 अंक पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चित्र दर्शन अंक, पंचवटी प्रवेश अंक, छाया अंक, कौशल्या अंक, प्रत्यभिज्ञान अंश। तो देखिए यहाँ पे भी भाई एक ही प्रॉब्लम आपको शा वाली मिलेगी, संस्कृत साहित्य में ही ये गलती हुई है। चलिए, कौशल्या प्रत्यभिज्ञान अंक, कुमार विक्रम अंक, कुमार प्रतिभिज्ञान अंक और सम्मेलन अंक, इन 7 अंकों का वर्णन है, ये आपको याद होना चाहिए। भवभूति करुण रस तथा गौड़ी रीति की सर्वश्रेष्ठ कवि। उत्तर रामचरिते भवभूति विशेष्यति, उत्तर रामचरित इनका बहुत विशेष है, इसको याद रखिएगा, इनकी विशेषता है। इनके बारे में कहा जाता है, इन्होंने कहा है, एको रसा करुण एव निवृत्त भेदा, ये करुण को ही प्रमुख रस मानते हैं, बाकी सबको इसका भेद ही मानते हैं, ये उत्तर रामचरित भवभूति भी इन्होंने कहा है। भवभूति के बारे में जो भी प्रश्न अब तक आए हैं, जो भी संभावित प्रश्न है, वो इतने में से ही आपको पूछे जाते हैं। आप इनको कहीं लिख लीजिएगा, मेरे अगर संस्कृत साहित्य के सारे भी वीडियो मिला देंगे तो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, आप एक जगह लिखते जाइए और इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। लगभग सभी संस्कृत साहित्य के प्रश्न जो हिंदी में पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य में जो पूछे जाते हैं, वो आपके गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भवभूति के बारे में ये वीडियो था, फिर एक बार कहूंगी लाइक करने में, वीडियो को 1 सेकेंड लगता है,
से हालांकि मुझे बहुत कुछ लाभ नहीं है, परंतु अच्छा लगेगा यदि आप लाइक कर दें, कमेंट्स करते रहिएगा। आपके कमेंट्स ही हमारे प्रोत्साहन का वर्धन करते हैं और साथ बनाए रखने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।